press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो हेलो दोस्तों, आप में से काफी लोगों ने मेरे से पूछा था कि ये जो पॉपुलर फेसबुक पेजेस होते हैं वो कैसे पैसे कमाते हैं, उनका कमाने का जरिया क्या होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं अनलाइक यूट्यूब फेसबुक हमें पैसे कमाने का मौका नहीं देता। जैसे यूट्यूब पे आप अपना कंटेंट डालते हैं उस पर एड रन के जो रिवेन्यू शेयरिंग होती है यूट्यूब पे, फेसबुक ऐसा मौका आपको नहीं देता। तो ये फेसबुक पेजेस होते हैं, जो इतने बड़े बड़े फेसबुक पेजेस हैं वो कैसे पैसे कमाते हैं, यही जानेंगे हम आज इस वीडियो में। सो मैंने आपको दिखाने के लिए कुछ फेसबुक पेजेस शॉर्टलिस्ट किए हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम है, वो है रजनीकांत वर्सेस सीआईडी जोक्स का। इस पेज के तकरीबन है 1.40 करोड़ लाइक, तो मतलब कि 1.40 करोड़ लाइक है इस पेज के। तो जानते हैं ये लोग पैसे कैसे कमाते हैं। तो इन लोगों ने स्टार्ट कैसे किया, ये शुरू में क्या करते थे, जोक्स डालते थे। जोक्स डालने से क्या होता था, इनके पेज की लाइक्स बढ़ते गए, और जब इनको पता लगा कि ये कुछ डिसेंट लाइक्स पे पहुंच गए, तो इन्होंने क्या किया, एक वेबसाइट बनाई। उस वेबसाइट का नाम क्या रखा, रजनीकांत वर्सेस सीआईडी जोक्स, जो इनके नाम को रिसेंबल करता है। तो अब क्या करा इन्होंने, ये पोस्टें पहले की तरह डालते हैं, बट बीच बीच में ये उस वेबसाइट्स के लिंक भी डाल देते हैं। अगर ये खाली वेबसाइट के लिंक डालेंगे तो फेसबुक इनको पकड़ लेगा, क्योंकि क्या करता है, फेसबुक को भी पता है कि अगर आप ज़्यादा ट्रैफिक फेसबुक से बाहर लेके जा रहे हैं तो वो आपके पेज की रीच कम कर देगा। मैं ऐसे ऐसे पेज जानता हूँ जिनके 50-50 लाख लाइक है, बट उनकी पोस्टों पे 100, 200, 300, 400 लाइक्स ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ लिंक्स और लिंक्स ही शेयर करते हैं और फेसबुक उनकी रीच घटा देता है। बट अनलाइक अदर्स, ये क्या करते हैं, ये बहुत सारी फनी पिक्स पोस्ट करते हैं ताकि इनकी रीच बनी रहे, जैसे कि ये पोस्ट कर रखी है। और अगर इनके नीचे जाते हैं तो नीचे भी देखिए, इन्होंने एक फनी पिक शेयर कर रखी है। इसी तरह ये बहुत सारी पिक्स शेयर करते हैं और बीच बीच में ये क्या करते हैं, लिंक शेयर कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि पिक्स पे लाइक आते रहते हैं तो पेज की रीच बढ़ती रहती है, और बीच में लिंक डाल के क्या करते हैं, ये अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक मूव कर लेते हैं। जैसे कि ये इन्होंने ये लिंक शेयर किया है, हमने ऊपर देखा कि 5-6 पिक्स लगातार डाली थी, उसके बाद एक लिंक आया है। तो मतलब क्या करते हैं, गैप बना के रखते हैं और इससे इनके वेबसाइट पे ट्रैफिक जाता रहता है। अब इनका वेबसाइट पे ट्रैफिक देखते हैं कितना गया है। अगर आपको किसी भी वेबसाइट का ट्रैफिक जानना है तो आप भी जा सकते हैं similarweb.com पे और वहां पे उस वेबसाइट का नाम डाल के उसका ट्रैफिक जान सकते हैं। तो इनका ट्रैफिक ऑन एन एवरेज रहता है 7.5 मिलियन पर मंथ। तो ये होता है तकरीबन 75 लाख लोग इनकी वेबसाइट्स पे हर मंथ विजिट करते हैं। तो थोड़ा इनके इनकम का एस्टिमेट लगाते हैं। मेरा एक ब्लॉग है, उस पर तकरीबन 60-70-75 हज़ार व्यूज़ होते हैं पर मंथ के, और मैं उससे तकरीबन 10 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ बिना कुछ किए। तो इनके पास है मेरे से 100 गुना ज़्यादा व्यूज़, तो इसका मतलब ये कमाते होंगे तकरीबन 10 लाख रुपये पर मंथ सिर्फ अपने इस ब्लॉग से। और कैसे ये पैसे कमाते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी कोई पिक्चर की स्टार्टिंग में क्या होता है कि उनके सोशल मीडिया पार्टनर्स लिस्ट होते हैं, और बहुत सारी पिक्चरों के सोशल मीडिया पार्टनर रह चुके हैं RVCJ। आपने भी नोटिस किया होगा कि कभी कभी ये क्या करता है, एक ही फिल्म की तारीफ के इतने सारे पोस्ट डालते हैं, चाहे इन्होंने खुद वो फिल्म ना देखी हो, पर इतने सारे एक फिल्म के फेवर में पोस्ट डाल देते हैं कि ताकि लोग उस फिल्म को जाके देखें, और उस चीज़ के भी इन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं, क्योंकि इनके पास रीच तो है ही है और ये अपनी पोस्ट से लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर देते हैं। ऐसा ही एक और पेज है लाफिंग कलर्स। लाफिंग कलर्स पे भी तकरीबन 2.80 करोड़ लाइक्स है, और इनका भी सिमिलर कंसेप्ट है। इनकी भी वेबसाइट है, किसका, उसका नाम है laughingcolors.com। ये भी सेम कंसेप्ट यूज करते हैं, क्या करते हैं, 5-6 पिक्चरें डालते हैं, उसके बाद एक लिंक शेयर कर देते हैं। तो इनका मोटिव भी क्या है, अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट करना। बट ये अपनी वेबसाइट पे रजनीकांत वर्सेस सीआईडी जितना ट्रैफिक नहीं जनरेट कर पाते। इनके ऑन एन एवरेज आप देख सकते हैं 2 मिलियन व्यूज हैं, और 2 मिलियन व्यूज भी अभी आने शुरू किए हैं क्योंकि ये ग्रोथ कर रहे हैं अभी। तो 2 मिलियन व्यूज यानी आप लगा लो, अगर मेरे हिसाब से इनके पास पड़ते हैं तकरीबन 3 लाख रुपए पर मंथ की इनकम, और उसके बाद ये भी प्रमोशनल पोस्ट डालते हैं, ये भी प्रमोशनल ब्लॉग्स लिखते हैं, तो इससे भी पैसे कमाते हैं। उसके बाद आता है बीइंग इंडियन। बीइंग इंडियन के नाम बारे में भी आप लोग सब लोग जानते होंगे, बीइंग इंडियन का तो यूट्यूब चैनल भी है। तो ये भी क्या करते हैं, सिमिलर कंसेप्ट, एब्सोल्युटली सिमिलर कंसेप्ट, कि क्या करते हैं, वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट करते हैं, अपनी वीडियोस पे ट्रैफिक जनरेट करते हैं, और ये क्या करते हैं, अपनी मर्चेंडाइज भी सेल करते हैं। बीइंग इंडियन की मर्चेंडाइज आप देख सकते हैं, इन्होंने अपने पेज पे भी डाली हुई अपने कुछ प्रोडक्ट्स की डिटेल। तो क्या करते हैं, ये भी उसी तरह पैसे कमाते हैं जिस तरह के बाकी लोग पैसे कमा रहे हैं। तो तकरीबन हर फेसबुक पेज का यही कंसेप्ट है, अगर वो अपनी वेबसाइट नहीं बनाई तो वो दूसरी वेबसाइट्स के लिंक शेयर कर करके भी पैसे कमाते हैं। आपने भी देखे होंगे कुछ फेसबुक पेजेस जो विटी फीड, स्कूप वूप जैसी साइट्स के लिंक शेयर करते हैं,
वो क्या करते हैं, शेयरिंग बेसिस पे काम करते हैं, वो दूसरी वेबसाइट्स का लिंक शेयर करते हैं और जितना ट्रैफिक जनरेट कर पाते हैं उस हिसाब से उनको पैसे मिल जाते हैं। एक और पेज है वो कौन सा है, लॉजिकल इंडियन। लॉजिकल इंडियन कोई फनी वेबसाइट नहीं है, वो है क्या है, न्यूज़ शेयरिंग वेबसाइट। तो इनका भी कंसेप्ट काफ़ी सिमिलर है कि अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट करना, बट ये क्या करते हैं, ये फनी कंटेंट बनाने की जगह ये क्या करते हैं, नॉलेजेबल कंटेंट डालते हैं, न्यूज़ रिलेटेड कंटेंट डालते हैं, तो उससे भी ये बहुत सारा रिवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। और इनके भी अगर आप स्टैट्स देखें तो ये इनके मंथली व्यूज़ हैं तकरीबन 1.56 मिलियन, यानी 2 लाख रुपए पर मंथ का ये भी आसानी से जनरेट कर लेते होंगे। बट आपको लगता होगा कि ये सब बहुत ही ज़्यादा आसान है, बट नहीं, इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अपने फेसबुक पेज की रीच बरकरार रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ट्रस्ट मी, आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा पोस्ट डालनी पड़ती है, टाइमिंग का हिसाब रखना पड़ता है, और अगर आपकी एक बार फेसबुक की रीच कम हो गई तो उसको वापस लाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये ना सोचे कि इन्होंने फेसबुक, बड़े बड़े फेसबुक पेज बना लिए और अब ये आराम से कमा रहे हैं, इनको भी बहुत मेहनत लगती है पैसे कमाने में। और आप भी अगर इनकी तरह पैसे कमाना चाहते हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा डेडिकेशन लगानी पड़ेगी अपने फेसबुक पेज को बिल्ड करने में। जब आपके फेसबुक पेज के एक डिसेंट लाइक्स हो जाएंगे तब आप सोच सकते हैं कि अपनी वेबसाइट बनाना और उसके लिंक्स शेयर करना फेसबुक पे। अगर आप पेज बनाते ही लिंक्स शेयर करना शुरू कर देंगे तो शायद आप कुछ भी नहीं कमा पाएंगे, आपकी फेसबुक की पेज की रीच कभी बढ़ेगी ही नहीं। तो ट्राई कीजिए, हो सकता है आप भी लाखों में कमा रहे हो अपने फेसबुक पेज के जरिए। तो इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। और जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में था, अगर आप मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, और अगर आपने मेरे फेसबुक पेज को अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तब तक के लिए बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।